अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो आज की रेसिपी जो है जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई व्लॉग नहीं है। मेरे पास जो रेसिपीज़ हैं वो एक है सॉल्ट एंड पेपर की रेसिपी जो मैंने चिकन के साथ बनाई है, और दूसरी रेसिपीज़ जो है वो मेरे पास है एक तो चना दाल की रेसिपी है जो बहुत क्विक मैंने बनाई है, और दूसरी है मेरे पास कुनाफा की रेसिपी ओरियो वाली। तो पहले हम सॉल्ट एंड पेपर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने मैरिनेशन के लिए जो है लेमन स्क्वीज़ कर लिया है। मैंने पूरा एक लेमन जो है इसमें स्क्वीज़ किया है। ये एक साउथ अफ्रीकन रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की रेसिपी है। लेमन स्क्वीज़ करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ऐड किया है। साथ में मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। साथ में मैं ऐड करूँगी हल्दी, धनिया, ज़ीरा, रेड चिली और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके अलावा जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं उसमें मैंने लिया है ओरिगानो, पार्सले, मिक्स हर्ब्स, लेमन पेपर, उसकी जगह आप ब्लैक पेपर ले लें, और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। और सबको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको मैरिनेशन रेडी कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर जो है चिकन ऐड कर दूंगी। ओके, ये रेसिपी जो है आप बीफ के साथ या लैम्ब मीट के साथ भी बना सकते हैं, और जो लोग सिर्फ वेजिटेरियन है वो लोग सिर्फ वेज इसकी जगह जो है मैरिनेट कर लें। चिकन की जगह आप सिर्फ वेज में मैरिनेट करके आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं। और अब जो है मैं वेजिटेबल्स दिखा देती हूँ जिसमें मैंने ली है कैरेट, स्वीट कॉर्न लिए है मैंने, ग्रीन पेपर लिए है, बेबी अनियंस लिए हैं, बेबी पोटैटोज लिए हैं, और ग्रीन बीन्स लिए हैं, ग्रीन पीस लिए हैं। अगर आपके यहाँ बेबी अनियंस और बेबी पोटैटोज नहीं मिल रहे तो आप नॉर्मली जो भी वेजिटेबल्स आती है पोटैटोज और ऑनियंस आप ले सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जो भी चाहे वो बना सकते हैं। और साथ में मैंने जो है ग्रीन चिली ली है जिसको मैंने स्लिट करके डाला है। अच्छा, सारी वेजिटेबल्स को जो है हम चिकन में डाल देंगे। अगर आप चाहे तो मैंने पोटैटो जो है वो मैंने स्किन के साथ लिए हैं, अगर आपको स्किन के साथ पसंद नहीं है तो आप बिना स्किन के भी पोटैटोज ले सकते हैं। और मैंने थोड़ा और ऑयल डाल के इसको जो है अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। इसको कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट करना है। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के डाला है मैरिनेशन में। अच्छा, मैंने अब एक पॉट ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। पॉट जो है आपको बड़ी साइज़ का यूज़ करना है। और अब मैं इसके अंदर जो है सारी वेजिटेबल और चिकन जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो मैं डाल दूँगी। ऑयल के साथ साथ आप थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको सबसे पहले जो है भुनूंगी। अच्छा, अगर आप मीट के साथ बनाना चाहते हैं तो आप मैरिनेशन जो है वो सेम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है आप मीट को अंदर से अलग कर लेंगे और उसको आप पॉट में थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ी देर के लिए आप उसको भूनेंगे और थोड़ी देर उसको कुक होने के लिए रखेंगे। जब आधा पौना घंटा बीत जाएगा तब आप उसके अंदर जो है वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो आप सब कुछ एक साथ ऐड कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेबल के साथ बनाना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल ले लें सारी, और जो भी वेजिटेबल आपको मैरिनेशन करनी है आप मैरिनेट करके आप पॉट में एज इट इज़ रख सकते हैं। और जो मसाला बच गया था मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो भी ऐड कर लिया है। एक्स्ट्रा पानी मैंने कोई ऐड नहीं किया है, जो पानी मसाले का था मैंने थोड़ा सा पानी वही ऐड किया है। और अब जो है मैं फॉइल पेपर लगा दूंगी और इसको बिल्कुल इसकी दम में पकने दूंगी। अच्छा, हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे और जब आप इसको चेक करेंगे तो फॉइल पेपर हटा के आप चेक करेंगे, लेकिन आप चम्मच बिल्कुल भी नहीं मारेंगे इसके अंदर। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से चेक किया है, लेकिन इसको चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर आपने बार बार इसके अंदर चम्मच चलाई है तो आपकी वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल टूट जाएगी। ये देखिए मैं किस तरह से इसको चेक कर रही हूँ। इसका जो ये पानी सा दिख रहा है ये एक्चुअली पानी नहीं है, इसका जो मसाला और जो ग्रेवी और जो सारा ऑयल वगैरह हमने जो डाला था ये वही है। और जब ये हो जाएगा तो इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तीख सी हो जाएगी। अगर आपको चेक भी करना है तो आप बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल सालन में चम्मच चलाते हैं वैसे आप बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। और इसकी जो ग्रेवी है वो हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर पॉर करते रहेंगे। ऑयल पेपर लगाने की वजह से जो है वो ऑलमोस्ट अपने स्टीम में पकती रहेगी। और अब जब ये बिल्कुल हो गई है तो हम इसके अंदर मेयोनीज डाल देंगे और इसको जो है हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे।
अच्छा जी, हम इसकी वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं कि आप अगर सिर्फ वेजिटेबल्स में बना रहे हैं तो इसे आप कौन सी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लेंगे स्वीट कॉर्न, कैरेट, पटेटोज, ग्रीन पेपर, ग्रीन पीस है, ग्रीन बीन्स है, आप यही सारी वेजिटेबल्स लेंगे जो बेसिकली मैंने ली है। आप इसके अंदर भिंडी और करेला और ये सारी वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब जब है इस ये बिल्कुल रेडी हो गई है तो अब हम इसको सर्व करेंगे। भी है और इसको जो है हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। ये मेरा रेड फूड कलर है लेकिन ये बहुत लाइट है, सो अगर ये थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डाला जाए तो बिल्कुल ऑरेंज कलर जैसा दिखता है। और अब जो कस्टर्ड जो है वो ये मेरा देखिए बिल्कुल इतना ठीक होना चाहिए, जो रेगुलर कस्टर्ड हम बनाते हैं उससे थोड़ा ये ज़्यादा ठीक होगा, बिल्कुल पेस्ट की तरह। अच्छा अब आ जाते हैं चना दाल की तरफ। बहुत सिंपल सी बनाई है मैंने। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने ग्रीन चिली और अनियंस को मैंने डाल दिया है। ग्रीन चिली को मैंने स्लिटर कर लिया है थोड़ा सा और अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और ऑयल में मैंने इनको थोड़ा सा सौते कर लिया है। जब ये सौते हो गए थे तो मैंने इसके अंदर जो है टमाटो ऐड कर दिए हैं और साथ में मैंने होल स्पाइस ऐड की है, जिसके अंदर मैंने ली है एक दो लौंग और मैंने इसके अंदर दालचीनी डाल, एक दो बादियान के फूल ऐड किए। साथ में जो है मैं शुगर सिरप को भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ और इसको मैं जो मैं है चम्मच की मदद से स्टर करके जो शुगर है उसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। अनियन जब हल्की सी सौते हो जाएगी तो मैं इसके अंदर चॉप टमाटो ऐड कर दूँगी, साथ में मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, सारे मसाले भी मैं साथ में ऐड करूँगी जिसमें मैंने हल्दी, धनिया, ज़ीरा, रेड चिली और थोड़ा सा गर्म मसाला और सॉल्ट डाल के मैंने इसको और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको स्लो फ्लेम पे जो है सौते होने के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है।
जब ये सब कुछ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और कुक हो गया था तो मैंने इसके अंदर जो है चना दाल डाल के प्रेशर से गला लिया है। और ये देखिए मेरी चना दाल रेडी हो गई है माशाल्लाह, और ये बहुत टेस्टी बनी थी। और आपको अगर थोड़ी सी हार्ड लग रही है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अगेन सॉफ्ट कर सकते हैं। और जो हमारा शुगर सिरप भी रेडी हो गया है, ये इतना थिक होना चाहिए। अच्छा अब आ जाते हैं बैक टू कुनाफा। जो ओरियो और वमसेली का मिक्सचर हमने बनाया था उसके हम दो हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से को जो है हम बेस पे बिछाएंगे और दूसरा हिस्सा हम इसकी टॉप पे बिछाएंगे। अच्छा जो कुनाफा का बेस है उसको हम स्पैचुला की हेल्प से बिल्कुल हाथों से प्रेस करके हम इसको फ्लैटन कर लेंगे, और हम जितना हो सके इसको स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करते जाएंगे। और साइड से जो है हम इसकी कॉर्नर्स को हम राउंड शेप देते जाएंगे। इसी तरह से हम प्रेस करेंगे और साइड से हम इसको बिल्कुल राउंड शेप देते जाएंगे। ये बिल्कुल किसी केक के बेस की तरह राउंड होगा और इसकी जो कॉर्नर्स है वो बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल ये ट्रे से थोड़ी सी राउंड शेप होगी, लेकिन ये ट्रे की जो कॉर्नर्स है उनके साथ बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं होगी। अगर आपको घी या बटर इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर ले। और जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब हम जो है कस्टर्ड को इसके ऊपर बेस पर बिछा देंगे। कस्टर्ड को इस तरह से स्प्रेड करना है कि कॉर्नर्स के से थोड़ा सा दूर हो। हम इसको कॉर्नर से थोड़ा सा दूर बिछाएंगे। कस्टर्ड को जो है हम बिल्कुल सेंटर में बिछाएंगे। अगर ये कॉर्नर्स को टच हो गया या आप कॉर्नर्स तक बिछा देंगे तो जब ये बेक होगा तो ये सब कुछ बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगा। अच्छा कस्टर्ड बॉईल करने के टाइम पे भी मैंने थोड़ी सी इलायची डाली थी जो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। और अब जब कस्टर्ड हमने बिछा लिया है तो जो मिक्सचर हमने अलग करके रखा हुआ था अब हम इसको स्लोली स्लोली फर्स्ट हम इसको कॉर्नर पे बिछाएंगे, देन हम इसको सेंटर में बिछाएंगे। सारा बेस जो है हम स्प्रेड करने के बाद स्पैचुला की हेल्प से जो है हल्के हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करते जाएंगे और हम इसको बिल्कुल स्टिक करते जाएंगे। और आप देखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है इस तरह का तो आप कोई भी कटोरी या कुछ भी ले सकते हैं। बस आप इसको हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस करते जाएं और आप इसको जो है स्टिक करते जाएं। वैसे मेरा थोड़ा सा कस्टर्ड जो है फैल गया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फैला था। बस वो थोड़ा सा स्प्रेड होने की वजह से थोड़ा सा बाहर आ गया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं आया था कि हमारा पूरा जो बेस है वो सॉगी हो जाए। और जो लेफ्ट ओवर कस्टर्ड था वो भी मैंने इसके ऊपर जो है बिछा दिया है। और ओरियो का जो क्रम्ब था मैंने उसको थोड़ा सा बचा लिया था, वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास ओरियो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी क्रीम बिस्किट ले सकते हैं। पूरे बेस और पूरे कस्टर्ड के ऊपर जो है हम ओरियो अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और इसको जो है मैंने ओवन में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने 10 to 15 मिनट्स के लिए फर्स्टली बेक किया है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कच्चा है तो आप इसको अगेन 10 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए फर्स्ट रखा है, और जब मुझे लगा था कि थोड़ा सा अभी हाफ डन है तो मैंने इसको अगेन थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और अब जो शुगर सिरप हमने बनाया था वो शुगर सिरप हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए मेरी बेस बिल्कुल अलग हो गई है।